नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 बच्चों, आज हम इसका पांचवा प्रश्न करने जा रहे हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1.-5 और बी 4.5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु है 1.-5 पहले वाला और बिंदु B है -4.5। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष, देखिए आपको पता ना ये Y अक्ष और ये X अक्ष होता है ना, तो ये X अक्ष से विभाजित होता है। यानी ये एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है, बराबर में नहीं बेटा, दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हमें यह अनुपात इसका निकालना है, यह अनुपात और यह अनुपात, इस इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है। यह बिंदु इस पूरे रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, हमने इनके बीच का अनुपात निकालना है। तो बच्चों इस अनुपात को लेने के लिए हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है पी और इनके बीच का अनुपात है के रेशियो 1। हमने माना था ना कि जब भी अनुपात निकालना होगा तो हम उस अनुपात को लेंगे के रेशियो 1। तो हम यहाँ लिखते हैं, मान लो अनुपात बराबर है के रेशियो 1 के। तो बच्चों आइए इसे हम विभाजन सूत्र के अनुसार हल करते हैं। विभाजन सूत्र के अनुसार आपको याद होगा एक्स कोमा वाई के निर्देशांक थे बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 + m2। इसी प्रकार से m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2 के। तो देखिए बच्चों, इस बिंदु P के निर्देशांक यह क्योंकि x अक्ष पर है तो x में तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन जो पॉइंट x पे होता है उसके लिए y निर्देशांक 0 हो जाता है। यह बिंदु जो है ये x अक्ष पर है, y तो 0 है ना, तो ये हो जाएगा x, 0 बराबर m1 है k के बराबर, k रेशियो 1 लिया ना हमने, तो m1 हो गया k और m2 हो गया 1, k इंटू x2 है बेटा ये वाला -4। सॉरी बेटा, हमने क्या करना है, x2 इसको ले लो 1 को, सॉरी बेटा हमने एक गलती कर दी है, ये 1 इधर आना था, k इधर आना था, क्योंकि a बिंदु यहाँ है, b बिंदु यहाँ है, तो k रेशियो 1 ऐसा होगा। ठीक है, तो पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। अब k इंटू x2 है -4 प्लस m2 है 1, उसके साथ होगा x1 जो कि है 1 बटा k प्लस 1। इसी प्रकार से y निर्देशांक होगा m1 है k इंटू y2 है 5 प्लस m2 है 1, उसके साथ y1 जो कि है -5 बटा m1 + m2 जो कि है k प्लस 1। आप इस प्रश्न को मुझसे पहले कीजिए वीडियो को रोककर, और फिर देखिए कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर सेम है या नहीं है। ये एक तरीका होता है बेटो इस प्रकार के प्रश्नों को देखने का। आगे देखिए, -4 × k होगा -4 k + 1 बटा k + 1 कोमा यहाँ हो जाएगा 5 k + −, -5 × 5 बटा k + 1। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्योंकि के रेशियो 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से आसान वाली वैल्यू लेंगे। तो देखो x तो हमें पता नहीं, 0 हमें पता है, तो हम 0 लेंगे, 0 यानी y निर्देशांक और y निर्देशांक, इसका x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा, तो हम इसमें y निर्देशांक को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर y निर्देशांक है 0 और
यहाँ पर y निर्देशांक है 5k माइनस 5 बटा k प्लस 1। इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस k प्लस 1 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k प्लस 1 को जब इधर 0 से गुना करेंगे, ये देखिए ये k प्लस 1 जब इधर 0 से गुना होगा तो क्या होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 0। k को 0 से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना किया 0, तो हमारे पास यहाँ बच गया 0 और यहाँ आ गया 5k माइनस 5। अगले स्टेप में ये माइनस 5 है, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5 बराबर 5k। अगले स्टेप में 5 इधर k के साथ गुना हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग। अब 5 से 5 कट के उत्तर आया 1, इसका मतलब k का मान आ गया है 1, यानी कि k बटा 1 कितना होगा 1 बटा 1, यानी कि k रेशियो 1 कितना हुआ 1:1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमें इस प्रश्न में अनुपात निकालना था और वह अनुपात आया है 1:1। इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न को हल करके अनुपात निकाला है 1:1, यानी ये पी बिंदु इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। बच्चों अभी हमने इसका अनुपात निकाला है जो कि आया है 1:1। अब यदि आप प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो हमें प्रश्न में पूछा गया है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी ये जो बिंदु P आया है इसके हमने निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए इसके निर्देशांक है x, y और k क्योंकि 1 है, इसका मतलब 1:1 हो गया, m1 m2 1:1 हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र के अनुसार एक्स वाई के निर्देशांक निकाल देंगे और यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमने एक्स वाई के निर्देशांक निकाले थे एक्स कोमा वाई, ये बराबर था -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 बटा k प्लस 1 के। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y का निर्देशांक तो हमें पता ही है कि y 0 है क्योंकि x अक्ष पर है, x का निर्देशांक हमें निकालना है, x बराबर किसके होगा -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 के। मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि दोबारा से विभाजन सूत्र लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 में ही x किसके बराबर है देखिए -4k x निर्देशांक के बराबर होगा, जैसे हमने y निर्देशांक के बराबर रखा था, तो x निर्देशांक के बराबर होगा, x बराबर -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, और अभी हमने बेटा k किसके बराबर निकाला 1 के बराबर निकाला है ना, तो -4 × k की जगह 1 प्लस 1 बटा k की जगह 1 प्लस 1, इसे हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास आएगा x बराबर -4 × 1 होगा -4 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 होता है 2, तो ये आ गया -4 + 1, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम 4 है उसके साथ निशान है माइनस का, बटा 2, इसका मतलब x आया -3/2। अब देखिए P बिंदु के निर्देशांक अब हम यहाँ लिखते हैं पी बिंदु के निर्देशांक या बिंदु पी के निर्देशांक, एक ही बात है वो है, शुरू में ही देखिए पी बिंदु के निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है, और x कितना आया है अभी -3/2, y कितना है 0, y 0 क्यों है क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर है, तो बिंदु P के निर्देशांक आगे -3/2, 0, ये हमने विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाल दिए हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ यह वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए हम इस प्रश्न को समझाने के लिए अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं ताकि आपको सारा
प्रश्न अच्छे से समझ आए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ से भी ना समझ आया हो तो आप वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर बाकी वीडियोस भी देख सकें और उन्हें अच्छे से समझ सकें। आपका धन्यवाद।